और ये नीचे से इसके चैनल चलती थी पानी का, चमगादड़ भी अभी तक चल रही है। ये पानी उसके नीचे चल रहा है तो वो जो फ्लश होता है चलता था, बाहर चला जाता था। और ये नीचे से इसके चैनल चलती थी पानी का, चमगादड़ भी अभी तक चल रही है। ये पानी उसके नीचे चल रहा है तो वो जो फ्लश होता है चलता था, बाहर चला जाता था। मैं बात देखिए, इस वक्त हम किला लाहौर के बेसमेंट्स, जिसको आधे हिस्से को समर पैलेस कहते हैं और फिर उससे आगे ये पूरा एक एक सेक्शन है फ्रॉम साउथ टू सम वेस्ट टू ईस्ट, उसको आज तक आई थिंक यू हैव टू टॉक टू मी, आज तक हमने डिस्कवर नहीं किया। ये बंद पड़ा है और अब इसके पूरे सेक्शन को हम खोलने लगे हैं। पहले आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें अभी चमगादड़ों का घर है, अमाज का है। मैं भी आज पहली दफा यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो लेकिन यही हमारी एम्बिशन है, चैलेंज है कि हम चमगादड़ों से हटके हम अपना एक लोगों के तफरी का, उनकी इंफॉर्मेशन का और टूरिज्म का इसको एक गहवारा बनाए। सो इंशाल्लाह दिस इज आवर टारगेट। और ये आप देखिए क्या क्या, ये आप कुछ बता रहे थे, ये लेटेस्ट स्टेज पे जब ड्रेनेज ओरिजिनल जब खराब हो गई थी तो ये बाद में बनाई गई थी, अब इंशाल्लाह हमने ओरिजिनल ड्रेन बहाल कर ली है तो ये चीजें रिमूव हो जाएंगी ताकि तमाम चैम्बर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और देन दिस इज द प्लेस ऑफ टूरिज्म के लिए, इस बहुत इम्पोर्टेंट स्पेस जो अभी तक छुपी हुई थी सब पब्लिक। और लाइट का विंड कैचर्स के जरिए कैसे हवा का जो है बंदोबस्त किया गया, सीढ़ियों से कैसे ऊपर जाने का, ऊपर से नीचे आने, ये एक ऐसी मजेदार कहानी है और इतनी पुरसरार है। और इस सारी को इंशाल्लाह हम और ये चूंकि अक्सर ये खोल ही जाएंगे तो देखें आपको एयर और लाइट के लिए थोड़ी ये इनके सिस्टम ये था बजाय कि मिट्टी भर के सर उसको भी देख रहे हैं एक विंड कैचर इस खाने में भी कैसे हवा और रोशनी आती थी। अब ये कमरे बंदोबस्त कैसे किया गया है, सिक्योरिटी और गार्ड्स के तो ये ऊपर आते थे दे स्टे हियर सो मेक श्योर कि नोबडी गो अवर चले जी। ये तो एक चैलेंज बन कर गया है। सर से समथिंग अबाउट दिस टनल। हाँ जी, ये देखिए बाहर से तो इसका पता भी नहीं चलता। नहीं सर बिल्कुल, इतना हम वहां तक गए आगे और ये टनल के अंदर जाना आना। ओह ये हमने ट्रेन यहाँ की निकाली, इसी नीचे भी ट्रेन चल रही है, ये हमने निकाली सर।
है।